हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दीपिका और आज मैं एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसे आप उपवास में जी भर के खा सकते हैं और इससे आपको बहुत ही एनर्जी मिलेगी। तो ये है तीखुर, तीखुर का पाउडर। ये कुछ कुछ हल्दी की तरह दिखता है और बाद में इसे हल्दी की तरह जो उसकी कंद होती है उसे सुखा करके इस तरह का बनाया जाता है। तो ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाता है, नॉर्मल शॉप पे तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इस कैल्शियम से भरपूर होता है। तो इसे हमने अच्छे से धो लिया है, एक घंटे के लिए सोक कर देना है ताकि एक बार इसे घोल करके इस तरह से हमें छोड़ देना है। उसके बाद इसका पानी निकाल लेना है और दो तीन बार इसी तरह करने के बाद लास्ट बार में हम इसे छान लेंगे ताकि इसमें जो भी गंदगी होगी, काला वगैरह होगा, तो वो निकल जाएगा। जिस तरह मैं आपको छन्नी में दिखा रही हूँ, अगर आपके पास छन्नी बारीक ना हो तो कपड़े में आप इसे छान लें घोल करके। और ध्यान दें, ये तुरंत बैठ जाता है, तो जैसे ये घुला हुआ हो तभी आप छानें। तो इधर मैं गैस को गर्म कर लेती हूँ, थोड़ा सा घी डाल रही हूँ और उसी में मैंने ये तीखुर वाला पानी और साथ में बादाम पीस करके डाला है, पिस्ता बादाम। और आप चाहे तो काजू नट्स, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। और साथ में इसमें मैंने आधा लीटर दूध डाला है। ये सारी चीज़ें डाल करके इस समय गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। अगर मैं तुरंत ऑन हाई फ्लेम रखूँगी तो हमारा जो तीखुर है वो झटपट से गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे मैं लो फ्लेम पे पहले ये सारी चीज़ें डाल लें, चीनी डाल लें, अगर आप चीनी नहीं चाहते तो मिश्री डाल लें, गुड़ डाल लें, गुड़ लेकिन बाद में डालेंगे, अगर आप गुड़ डालते हैं तो बाद में। चीनी डाल करके अच्छे से मिला लें, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और ये इतना जल्दी जल्दी गाढ़ा हो जाएगा देखते ही देखते। फिर हमें इसके पानी सोखने तक इसे पकाना है, उसके बाद हमें इसे एक थाली में निकाल करके जमने के लिए छोड़ देना है। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, कम समय में बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी है और फलाहार है, तो आप इसे हर उपवास में खा सकते हैं। तीखुर को हम लोग इंडियन अरारोट भी कहते हैं और ये इसकी तासीर जो है बहुत ठंडी होती है, इस कारण इसमें इसका गर्मियों में शरबत बना के भी पिया जाता है। और ये कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है और इसमें कैल्शियम तो है ही, आयरन, सोडियम, विटामिन ए और सी भी मिलता है। और इसके खाने से पेट फूलने जैसी बीमारी, गैस वगैरह की परेशानी, ये सब दूर हो जाती है। दस्त वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूरिन में इन्फेक्शन है, जलन है तो भी, खांसी हो तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उपवास में तो करते ही है क्योंकि ये काफ़ी एनर्जेटिक फील कराता है आपको। तो बीच में मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला था, अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं तो आप नहीं डालेंगे, और पसंद है तो ज़रूर डालिए क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप इसमें केसर डालेंगे तो थोड़ा येलो कलर होगा, लास्ट टाइम मैंने केसर डाल करके बनाया था तो वो भी बहुत टेस्टी बना था। और अब आप देख सकते हैं लगभग 15-20 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह से गाढ़ा हो गया है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ घी लगे हुए थाली में और इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में छोड़ दूंगी। अगर आपको ठंडा पसंद नहीं है तो आप नॉर्मल ही बाहर छोड़ दें, यह सेट हो जाता है। तो इसे सेट करने के बाद हम इसे अपने मनपसंद शेप में कट कर लेंगे। अगर आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो इसमें आप ड्राई फ्रूट डाल लीजिए, और नहीं पसंद है तो आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं। मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगा इसलिए मैंने इसमें पहले ही पीस करके डाल दिया, क्योंकि मेरे बेटे को पसंद नहीं है ड्राई फ्रूट्स मुंह में आना। तो इस तरह से मैंने प्लेन बनाया उसके लिए और अब मैं इसे कट कर लूँगी बर्फ़ी की शेप में ताकि ये दिखने में एकदम काजू कतली की तरह लगे और खाने में तो है ही बहुत ही टेस्टी। तो आप भी इस तरह से बनाएं, खाएं, इंजॉय करें और अपने व्रत और त्यौहार को स्पेशल बनाएं, भगवान को भोग लगाएं। और इसके खाने से कोई भी नुकसान नहीं है तो आप बेझिझक इसे खा सकते हैं। मेरी ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक आप इस तरह से एक बार ज़रूर तीखुर का हलवा बना करके खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कैसा लगा आप सभी को। ये आसानी से अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।